साथियों, अगर आप पूरी दुनिया के इतिहास को देखें तो साथियों लगभग 500 या 600 सालों से पूरी दुनिया में जो हिंदू है, जो मूर्ति पूजक है, जो सनातनी है, वो हमेशा पिटता रहा है। और ये पिटने का एक लंबा सफर है। साथियों, अगर आज हम भारत की बात करें तो भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आत्मा को घायल करके क्या क्या हासिल होगा उन लोगों को जो ऐसा आज भी करते हैं। साथियों, बीजेपी और आरएसएस, आपने देखा होगा कि उस रथ पर सवार हो जाते हैं जो हिंदुत्व का आम जनमानस का उभार हो। राम मंदिर पर जब मामला उफान पर आया, बीजेपी आरएसएस उस पर सवार हो गई। बीजेपी आरएसएस कभी नहीं चाहती थी कि मस्जिद गिरे। ये उस पर जो मस्जिद गिराने का आरोप लगता है, ये बिल्कुल निराधार है। लेकिन आम जनमानस ने बीजेपी की इस बात को नकार दिया। वहां बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम जनमानस था। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी आरएसएस उसी रथ पर सवार होने की कोशिश करती रही। साथियों, ये जो अयोध्या में मस्जिद गिरी ढाई गई, उसमें बीजेपी या बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कोई खास रोल नहीं था। वहां पर भारत का आम जनमानस था। और यही कारण है कि आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी और आरएसएस उस अयोध्या का जो रथ था उस पर सवार हो गई और इसका उन्हें फायदा भी मिला। साथियों, आपको मालूम होगा कि जो काशी था, वहाँ के जो भोलेनाथ थे, ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में बिल्कुल नहीं था। लेकिन आम जनमानस आज फिर उद्वेलित है और बीजेपी आरएसएस इस रथ पर सवार होने को आतुर दिखाई देती है। साथियों, अगर भाजपा की बात करें तो ये अपने वोटरों, कार्यकर्ताओं के साथ जो इस भारत का आम जनमानस है उसके साथ खुलकर खड़ी हो तो शायद भाजपा और आरएसएस के प्रति आम जनमानस का और भरोसा बढ़ेगा। आज भी काशी में भाजपा आरएसएस इस भोलेनाथ के मामले में कहीं खड़ी दिखाई नहीं देती। आम जनमानस अपने साधन से लड़ रहा है। हिंदू जब पिटता है, बीजेपी आरएसएस इससे किनारा करती दिखाई देती है, केवल मौके का राजनीतिक फायदा उठाती है। हिंदुओं के साथ राजनीतिक दल खड़े होने में आज भी शर्म महसूस इसलिए करते हैं कि कहीं उन पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा न लग जाए। मौके का फायदा उठाना शायद अब बीजेपी आरएसएस की नियति बन चुकी है। साथियों, लेकिन यूपी के योगी महाराज इसके अपवाद हैं। किसी समय मोदी को भी अटल जी की नसीहत लेनी पड़ी थी, लेकिन मोदी का आज भी एक सफल इतिहास है, क्योंकि मोदी जी ने किसी एक का तुष्टीकरण कभी नहीं किया, बराबरी के रास्ते पर चले। आज भाजपा मोदी, योगी और अमित शाह के बल पर आगे बढ़ रही है। साथियों, किसी भी देश के बहुसंख्यकों की आत्मा को आहत करके किसी विदेशी मजहब वाले अल्पसंख्यकों को उस देश में कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। म्यांमार और स्पेन इतिहास में जाकर पढ़ सकते हैं, इसका सजीव उदाहरण है।
जिन हिंदुओं ने पठानों, अफगानों, मुगलों, अंग्रेजों का मुकाबला लंबे समय तक किया, अपने ईमान पर उस दौर में भी कायम रहे। उनकी आत्मा को उनके इष्ट देवों से उन्हें लंबे समय तक अलग रख पाना और उन पर हमलावर लुटेरों, हत्यारों का गुणगान करना किसी भी विदेशी मजहब अपनाने वाले अल्पसंख्यकों के लिए आसान नहीं होने वाला। साथियों, आज नहीं तो कल मुगलों की करतूतों से भारत का एक एक देवालय मुक्त होगा, ये निश्चित है। जो राजनीतिक दल इसमें विघ्न डालेगा उसका वजूद मिट जाएगा। इसी डर से आज कोई भी राजनीतिक दल, काशी मसले पर आपने देखा होगा कि मुस्लिमों के पक्ष में खुलकर बोलने से कतराता है, डरता है। साथियों, भाजपा की सत्ता भी इसलिए कायम है क्योंकि वो आज इन लुटे पुटे हिंदुओं के साथ बेमन से सही, लेकिन आपको खड़ी नजर दिखती है। साथियों, सच तो यह है कि अरब के रास्ते पर चलने वाला अधिकांश सुन्नी मुस्लिम मुगलों के पक्ष में एक तरफ खड़ा दिखता है, तो दूसरी तरफ भारत का हिंदू भी यहाँ के शिया, वोहरा, अहमदिया आदि मुस्लिमों को साथ लेकर उनके विरोध में खड़ा है। न्यायालयों में मामलों की बाढ़ है। कांग्रेस अपने तुष्टिकरण के कारण अपना अस्तित्व बचाने में लगी है। साथियों, मामले धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। ओवैसी और मदनी जैसे लोग इस जलती आग में घी डाल रहे हैं। सरकारें भी सुरक्षा के मामले में अति सतर्क हैं। ऐसे में साथियों, निवेदन है कि हिंदुओं को धैर्य से काम लेना होगा, सरकारों के नियमों, आदेशों, संविधान का पालन करना होगा ताकि भारत में अमन चैन कायम रहे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।